हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ सनाली। कैसे हो आप सब लोग? मेरा हो गया है कार्डियो। अभी मैं जा रही हूँ अंदर। थोड़ा सा आज लेट हो गई हूँ, ऑलमोस्ट 8 o'clock हो गया है, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं कर पाई। बस बिल्डिंग का चक्कर लगा के अभी अंदर जा रही हूँ, चलिए घर पे मिलते हैं। फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ नीचे से। तो अभी ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी थोड़ी थोड़ी चीज़ें, बिकॉज हमारा जो पैकिंग है वो स्टार्ट हो गया है। और उसके लिए कियान का जो भी मैं कर रही हूँ ना, आपके साथ मैं शेयर करूँगी। एक तो देखो, सुबह ना वो जो नॉर्मल ओट्स होता है ना, मैं उसको दूध में उसको उबाल के अच्छे से दे देती हूँ, या तो उसमें एक एप्पल या तो कुछ स्ट्रॉबेरीज, कभी कभी डेट्स, जो भी अवेलेबल है मैं वो डाल के उसको देती हूँ। बट अभी क्या है ना, अभी हम जाएंगे उधर, तो वहाँ पे डेली ऐसे मैं नहीं बना सकती हूँ। तो मैं बैकअप के लिए क्या करती हूँ, ओट्स को ना फ्राई करके उसका पाउडर बना के स्टोर करके लेके जाती हूँ। उसमें आधा चम्मच सेरेलाक डाल के गर्म पानी में मिला के उसको दे देती हूँ, वो जल्दी हो जाता है उसका ब्रेकफास्ट एंड ऑल। तो चलिए वही बनाते हैं। देखो गाइस, जैसे कि आज मैंने कियान के लिए मैं नॉर्मल ओट्स बनाऊँगी, उसके लिए मैंने दूध गर्म करने के लिए चढ़ा दिया है, और एक मैंने एक पैन लिया है, इसमें हम ओट्स को फ्राई करेंगे। तो ये रहा मेरा ओट्स। तो इसको मैं, हम 2 दिन के लिए जा रहे हैं, तो मुझे इस बार ना थोड़ा ज़्यादा चाहिए, 3 दिन के लिए। तो 3 दिन के हिसाब से मैंने अपना कर लिया है। इसको ना आपको ज़्यादा देर तक भूनना है नहीं। अगर आप चाहो तो इसमें ड्राई फ्रूट पाउडर भी मिला सकते हो। मैं इसे नॉर्मल बनाती हूँ, आप अगर चाहते हो तो इसमें ड्राई फ्रूट पाउडर वगैरह भी मिला सकते हो। तब तक मैं इस वाले में भी थोड़ा सा ओट्स डाल देती हूँ। गुड मॉर्निंग कियान, कियान गुड मॉर्निंग। ये देखो गाइस, ओट्स को ना मैंने अच्छे से पाउडर करने के लिए इसमें डाल दिया है, ये भुना हुआ ओट्स। ठंडा थोड़ा सा हो जाए फिर हम पाउडर करेंगे। तब तक ना चलिए मैं यहाँ पे बना लेती हूँ अपने लिए ब्रेकफास्ट, जो कि है पोहा। देखो यहाँ पे मैंने कटिंग चॉपिंग वगैरह कर लिया है, थोड़े से गोभी एकदम बारीक से काटा है उसको, प्याज, मिर्ची और मूँगफली, और यहाँ पर पोहा को भिगो के रखा है। ये तो रेसिपी सबको पता है, बस मैं आपको दिखा देती हूँ कि मेरे पास जब टाइम नहीं होता तो जल्दी जल्दी में मैं कैसे बनाती हूँ एकदम क्विक वाली। देखो मैंने ना पहले थोड़ा सा दे दिया है उसमें ऑयल। ऑयल में ना हम मूंगफली को पहले फ्राई कर लेंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा टाइम लगता है उसमें। अब देखो 50-60% ये हो गए हैं, इसमें हम डालेंगे सरसों के दाने। जब ये सरसों के दाना थोड़ा सा हो जाए, हम डाल देंगे इसमें कड़ी पत्ते। कड़ी पत्ता डालने के बाद इसको और थोड़ी देर भूनेंगे। और देखो गाइस, मैंने ना यहाँ पे प्याज, गोभी और मिर्ची सब एक साथ डाल दिया, क्योंकि ना इसमें अगर मैं प्याज पहले डालूँ फिर गोभी डालूँ तो बहुत टाइम लग जाएगा। मेरे पास इतना टाइम है नहीं, तो मैं क्या कर रही हूँ ना, गोभी, प्याज, मिर्ची सब एक ही साथ इसको इसमें फ्राई कर रही हूँ। और थोड़ा सा जल्दी हो जाए उसके लिए हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। बस अभी इसको 2-3 मिनट के लिए ऐसे छोड़ देंगे, है ना। फिर देखते हैं गाइस। देखो तब तक मैंने क्या किया है ना, यहाँ पे ओट्स का पाउडर बना लिया है, ठीक है, फाइन पूरा एकदम बना लिया है। इसको हम
स्टोर करके एक डब्बे में लेके जा सकते हैं, जो मैं हर बारी जब ट्रैवल करती हूँ तो ये तो मैं लेती ही हूँ। और ये खाने में भी बहुत हेल्दी है, बहुत देर तक उसको भूख भी नहीं लगती। चलिए देखिए, यहाँ पे पोहा का जो गोभी वगैरह है तो थोड़ा थोड़ा वो सॉफ्ट हो गया है, तो हम और थोड़ी देर इसको भूनेंगे, उसके बाद उसमें पोहा और हल्दी मिला के चला लेंगे बस, और लास्ट में नींबू और धनिया पत्ता। तो गाइस देखो, मैंने पोहा और हल्दी अभी ऐड कर दिया है उसमें, अभी उसको हम 5 मिनट तक अच्छे से उसमें मिलाएंगे, मतलब मिला के छोड़ देंगे 5 मिनट तक। साइड में देखो सत्या के ब्रेड ऑमलेट बन रहे हैं। गाइस पोहा मेरी हो गई है, तो मैं इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ता और नींबू बस ये डाल के गैस ऑफ कर देंगे। और देखिए यहाँ पे ब्रेड ऑमलेट भी हो गया है, और यहाँ पे मैंने चाय बिठा दिया है। Kian, where are you going? Kian, where are you going? Kian, where are you going? Are you going to swimming pool? Bye bye. पकड़ो अपनी चीजें, खुद पकड़ो। हे गाइस, आज हम लोग स्विमिंग पूल आए हैं, तो सोचा कि इस वीडियो को कंटिन्यू रखते हैं। कियान वहाँ पे खेल रहा है, उसको बुला के लेकर आते हैं। कियान, हाँ ये अपने आप अभी आ रहा है। कियान, व्हाट आर यू डूइंग? वाओ कियान, वाओ, गो अगेन, यस, ओए बेबी। Come here. वो यहीं पे बैठ जाता है। Come here. उनका पूरा क्लीन करके ओए गुड बॉय। चलो विल गो टू वाटर। कम चलो दीदी, पकड़ो दीदी। कम Kian, come here. Kian, come here. हाँ अभी नहीं आना दीदी के पास है।